बॉलीवुड एक्टर सलमान खान आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान का बर्थडे हर साल धूमधाम से उनके परिवार वालों के साथ उनके फैंस भी मनाते हैं। कोरोना वायरस के चलते सलमान इस साल अपना बर्थडे शांति से परिवार और अपने करीबी दोस्तों के साथ मनाने वाले हैं। हर साल की तरह सलमान ने इस साल भी मीडिया के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मीडिया के साथ केक काटते हुए सलमान की तस्वीरें वायरल हो रही है। पनवेल फार्म हाउस के बाहर सलमान खान ने पेपराजी और जर्नलिस्ट के साथ केक काटा। सलमान अपने अंतिम वाले लुक में ही नजर आए। उन्होंने लाइट ब्लू कलर की शर्ट के साथ ब्लू कलर की डेनिम पहनी थी, साथ ही उनका बियर्ड वाला लुक था। इस बार कुछ बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन है नहीं, सिर्फ परिवार ही यहाँ पर है। सिर्फ परिवार ही यहाँ पर है, कोई नहीं है यहाँ पर। और वैसे हमें इस बार कुछ करना भी नहीं था क्योंकि ये साल सबके लिए बहुत खराब गुजरा है और सब बहुत डिफिकल्टीज में रहे हैं, तो ये इस बार सेलिब्रेशन बनता है नहीं। होपफुली के सब अगले साल ठीक हो जाए और क्रिसमस और न्यू ईयर हम सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो और अगला साल हमारे लिए, कौन सा साल अगला साल? 2021। अच्छा, ओके, 2021 हमारे सबके लिए बहुत अच्छा हो, आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए। और तो आज 27 हो गया, तो फिर बस यही है। और जस्ट होप दैट एवरीवन इज हेल्थी एंड एवरीवन इज हैप्पी एंड सेफ। और मास्क पहनो और हाथ धो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो ताकि आप सब सेफ हो। जैसे कि मैं बिग बॉस में कहता हूँ कि प्यार करो ना, माता पिता से प्यार करो ना, डोंट गिव देम कॉल। जब रिलीज़ होगी तो रिलीज़ होगी, अब देखो कि ये सिचुएशन क्लियर हो जाए, वैक्सीन निकल आए और सब वापस से थिएटर्स जाना शुरू कर दें, सबके पास इतने पैसे हों कि वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पे खर्च करें। तो जब जब भी होगी वो फिल्म वो होगी। अब देखते हैं कि पिछले ईद का कमिटमेंट था, अब इस ईद का कमिटमेंट दे देंगे बहुत ही जल्दी। तो अगर इस ईद तक सब क्लियर हो जाता है तो इस ईद पे रिलीज़ होगी, नहीं तो फिर देखेंगे। जब भी रिलीज़ होगी रिलीज़ होगी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम रिलीज़ करते हैं राधे को तो वो सब जो भी थिएटर में जाएँ वो सेफ़ रहें। अगर सेफ़ नहीं है और खुदा ना खास्ता किसी का देहांत हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये देखेंगे कि हर चीज़ सक्सेसफुली प्लान करके करें।